हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काजोल किचन गार्डनिंग एंड कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिरयानी, चिकन बिरयानी का वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी इंस्टेंट बनने वाला बिरयानी है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है, हम इसमें प्याज काट लेंगे, लंबा लंबा प्याज काट लेंगे। और बिरयानी में फ्राइड अनियन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है, मैं सबसे पहले जो है प्याज को जो है वो क्रिस्पी करने तक भून लूँगी, यानी ब्राउन होने तक। उसके बाद जो है, हम इसे पेपर पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसे पेपर पे निकाल के थोड़ा सा जो इसका ऑयल है वो निकाल लेंगे। और यहाँ पे हम जो है अपना चिकन जो है वो धो लेंगे अच्छे से पानी से। उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लेंगे, फिर धो लेंगे गर्म पानी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है चिकन बिरयानी मसाला सुहाना का। तो आप इसका यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम जो हमारा चिकन है उसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने डाल लिया है जो हमारा चिकन बिरयानी मसाला था पैकेट, वो पूरा पैकेट डाल लिया है। और यहाँ पे मैंने डाल लिया है 100 ग्राम दही। तो दही डाल दीजिए आप। और हमारा जो मसाला था, जो हमने बिरयानी मसाला एक पैकेट मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और इसमें हम अपना सॉल्ट मिक्स कर दिया है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्वाद के अनुसार सॉल्ट जो है वो मिक्स कर दीजिए। उसके बाद जो है, एक तरफ मैंने जो है कढ़ाई में जो हमारा तेल बचा था जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था, उसी में मैं जो है लगभग आधा किलो प्याज, या 250 ग्राम कह सकते हैं, आधा किलो नहीं कह सकते क्योंकि 250 ग्राम प्याज जो है वो मैंने जो है यहाँ पे भूनने के लिए रख दिया है। तो हम इसे एक तरफ भूनते रहेंगे। और एक तरफ जो है हमारा जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था, वो हमारा जो है मैरिनेट हो रहा है और बहुत ही टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस तरह से बना के एक बार देखिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सॉल्ट डाल दिया है चिकन में, उसके बाद मैंने प्याज में भी थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि नमक का जो बैलेंस है वो बना के रखें, ज़्यादा कम ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेज़पत्ता और हरी मिर्च, आप इसकी जगह लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से प्याज को जो है वो भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो प्याज है वो ढक दिया है और इसे थोड़ी देर बाद जो है हम खोलेंगे। और यहाँ एक तरफ मैंने जो है चावल को धो करके और रख दिया है सोक करने के लिए थोड़ी देर के लिए, यानी 10 मिनट के लिए लगभग। और यहाँ पर देखिए, हमारा जो प्याज है वो लगभग बहुत ही ज़्यादा गल गया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें लहसुन, और अब हम इसे जो है थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था हमारा चिकन, उसे हम डाल देंगे और हम मिला देंगे इसे अच्छे से। और अगर आपको चिकन बिरयानी मसाला जो है वो कम लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये आप डाल दे सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने चावल का जो पानी है वो गिरा लिया है। और अब हम इसमें जो है हमारा चावल जो है वो मिक्स डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये ज़्यादा है तो चावल इसमें तो नहीं बन पाएगा, तो मैंने यहाँ पर बड़ा भगोना लिया है, इसमें मैं बनाऊँगी बिरयानी। यहाँ पे पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद जो है हमारा जो भगोना है वो मैं चढ़ा दूंगी एक तरफ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने जो कढ़ाई में पूरा मिक्सचर जो तैयार किया था वो मैंने अब भगोने में डाल दिया है। और इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी जो है वो नहीं डालेंगे। मेरा जो चावल है, अपने चावल के अकॉर्डिंग डालिए, उसको कितने पानी की ज़रूरत है कितने नहीं वो आप जानेंगे। मेरा जो पानी है, मेरा जो चावल है वो थोड़ा सा, मतलब कहते नहीं, खिला खिला बनता है, तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, मैं इसमें अब डाल दूँगी पानी। और अपने अकॉर्डिंग पानी डालिए। पानी इसके बाद का ध्यान रखिए, अगर बिरयानी गीली हो जाती है तो बहुत ही टेस्ट में अच्छा नहीं लगता है। तो बिरयानी हमेशा खिली खिली बननी चाहिए, जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कितना अच्छा बिरयानी जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पानी अपने अकॉर्डिंग डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से ढक देंगे, ढक करके पका लेंगे। और ज़्यादा इसे खोलना नहीं है। और यहाँ पे मैंने ऊपर भर दिया था उसमें जो पानी, ताकि जो भाप है वो हमारा निकले नहीं। और मैंने यहाँ पर जो फ्राई अनियन थे वो मैंने निकाल लिया था, निकाल के इसमें डाल के हम मिक्स कर देंगे।
और हमारा जो बिरयानी है वो बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।